अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बात है जो मुझे आप लोगों से कहनी है कि हमारी आदत है कि हम चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लाइक हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमें जो चीज़ मिल रही है वो हमें हमेशा ही मिलेगी, चाहे वो बीवी बच्चों का प्यार हो या हस्बैंड की केयर हो, कुछ भी हो, हमको उसको ग्रांटेड लेने की आदत हो चुकी होती है और हम उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है। यार अगर एक छोटा बच्चा भी है तो वो एक ही उम्र में नहीं रहता है, उसकी उम्र बढ़ती रहती है ना। जैसे कि दुबई को ही ले लो, दुबई में हर साल बल्कि हर फेस्टिवल में हर एक चीज़ नई अट्रैक्शन ये लोग क्रिएट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो अट्रैक्शन और डेवलप्ड हो जाती है, उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी ऐड हो जाती है। जैसे कि ये वाली जगह ही ले लो, इसको दुबई क्रीक बोलते हैं, आज से एक दो साल पहले ये यहाँ था नहीं। तो ऐसे ही हमको हर चीज़ टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने की आदत हो गई है, हम किसी भी चीज़ की अहमियत को समझते ही नहीं है। जब तक हमको एहसास नहीं दिलाया जाता है, जब तक हमसे वो चीज़ छीनी नहीं जाती है, तब तक हम उस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ों की वैल्यू को समझो, उसको सेम इंपॉर्टेंस दो जितना आपको मिल रहा है। इन रिटर्न आपको उतना नहीं हो सका तो 50% तो देने की कोशिश करो ना यार, क्या जाता है इसमें। हर चीज़ चलती रहती है, पानी की तरह बहती रहती है, कोई चीज़ आपके लिए रुकेगी नहीं। आज अगर आप यहाँ पे हो, कल कहीं और भी हो सकते हो, जैसे कि मैं आज दुबई में हूँ, कल शायद इंडिया में हूँ, तो ऐसे ही होगा। आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है, ज़रूर बताना। बाय बाय।